प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपके लेकर आए हैं शनि का राशि परिवर्तन। शनि अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो 17 जनवरी 2023 को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा, तुला वृश्चिक राशि वालों को इसका क्या फल मिलेगा, एक एक करके दोनों राशियों का हम बताते हैं। पहले तुला राशि का बताते हैं। तुला राशि के पंचम स्थान में मूल त्रिकोण राशि पर आ जाएंगे, जो कि अच्छी सफलता देंगे, संतान की उन्नति कराएंगे, लाभ होगा, ऋण बाधा आपका खत्म होने की संभावनाएं बन जाएंगी, और खर्च को लेकर के भी टेंशन कम होगा, अनिद्रा भी कम होगा, और हर प्रकार से उन्नति मिलेगी, शत्रु पर विजय मिलेगा। लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य, हड्डियों में दर्द, शारीरिक पीड़ा, ये सब संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, शत्रु पर विजय मिलेगा, मुकदमा इत्यादि चल रहा है उसमें लाभ होगा। किसी के साथ बिजनेस इत्यादि आप करना चाहते हैं, अगर पार्टनर में तो आप बचें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, आप जो करना है अकेले करें, और लंबी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। भाग्य आपका बराबर साथ देता रहेगा, घर में उन्नति होगी, यात्राएं करनी पड़ सकती है, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और तीर्थ यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति होगी, माता पिता से सुख मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कष्ट हो सकता है। हर प्रकार से सोची हुई कार्यों में सफलता मिलेगा, शेयर मार्केट इत्यादि आप कर रहे हैं तो उसमें अचानक लाभ हो सकता है, और उन्नति मिलेगी, धन की वृद्धि होगी। कुटुंब में झगड़े झंझट से आपको बचना चाहिए, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद से आपको एकदम बचना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर प्रकार से उन्नति होगी। शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहे हैं, जो कि जो मुख्य चार राशियां हैं उसमें तुला राशि मेन है, जिसमें सबसे ज़्यादा शनि राशि परिवर्तन में सफलता मिलेगी, और हनुमान जी की आराधना करते रहिए, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, छाया दान करें, सात्विक रहना, नॉन वेज मांस मदिरा का सेवन न करें, विशेषकर शनिवार मंगलवार को तो कदाप न करें, तो ज़्यादा अच्छा आपका शनि बहुत अच्छी सफलता आपको देंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति। वृश्चिक राशि के चतुर्थ स्थान पर शनि आ जाएंगे, जो कि भूमि, भवन, वाहन की वृद्धि कराएंगे, माता पिता से सुख मिलेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कष्ट आ सकता है, पिता के हड्डियों में या हार्ट संबंधी दिक्कत बन सकती है, लग्जरी सुविधाओं की उन्नति होगी, संतान की वृद्धि होगी, और शत्रु पर विजय मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हर प्रकार से लाभ होगा, भाग्य बराबर आपका साथ देना देगा, और लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, घर में मांगलिक कृत्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, आपका कुछ धन शुभ कार्यों में भी खर्च होगा, सोचो ही कार्यों में सफलता मिलेगी, आप कोई कार्य करते हैं तो रणनीति बनाकर करें तो ज़्यादा लाभ होगा। अब आपके ऊपर शनि की ढैया भी आ जाएगी, जिससे आपको भाग दौड़ और टेंशन बना रहेगा, लेकिन शनि आपके लिए वृद्धि कराएंगे, बस आपको सात्विक रहना है, हनुमान जी की आराधना बराबर करनी है, तो आपका जीवन सबसे अच्छा बीतेगा, यानी आपके लिए लग्जरी सुविधाओं की वृद्धि हो रही है, बस टेंशन भाग दौड़ ज़्यादा बना रहेगा, बाकी हर समय हर प्रकार आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।